यकीनन हम इस दुनिया में आए हैं बतौर आजमाइश के आए हैं, बतौर इम्तिहान के आए हैं। इस दुनिया में जो मेहनत है वो सारी की सारी आखरत के लिए, आखरत की जवाबदेही का एक पहलू है, एक आखरत की जवाबदेही का खौफ भी है। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पहलू आखरत के हवाले से हमारे सामने रहता है। तो आइए नाज़रीन, मैं आप को कुरान करीम की 9 आरज़ुएं जो बयान हुई हैं आखरत के मुताल्लिक, वो आपके सामने मैं पेश करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले सूरतुन नबा की आयत 40 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, या लैतनी कुंतु तुराबा, फरमाया है काश मैं मिट्टी होता। आखिर में गुजारिश रहती है कि भाई बहुत सारे लोग जो है बेहूदा फजूल चीजें भी शेयर कर रहे होते हैं, अगर अल्लाह उसके रसूल की बात की जाए तो उस वीडियो को भी शेयर करना चाहिए, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है, ताकि एक मुस्तनद बात जो की जा रही है, सही बात की जा रही है, एक आदमी जो अल्लाह उसके रसूल के लिए दर्द दिल शेयर करता है, तो आपका भी फर्ज बढ़ता है और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पार्ट को, उस हिस्से को दूसरों के सामने पेश किया जाए ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुभान व तआला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन आप सब के इल्म में है, यकीनन हम इस दुनिया में आए हैं बतौर आजमाइश के आए हैं, बतौर इम्तिहान के आए हैं। इस दुनिया में जो मेहनत है वो सारी की सारी आखरत के लिए, यानी हम जो भी काम सिलेक्ट करते हैं, जो काम करते हैं आखरत को सामने रखते हैं, अगर वो सही है तो डन, और अगर सही नहीं है तो उस काम को हम अंजाम नहीं देते। आखरत की जवाबदेही का एक पहलू है, एक आखरत की जवाबदेही का खौफ भी है। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पहलू आखरत के हवाले से हमारे सामने रहता है। तो आइए नाज़रीन, मैं आप को कुरान करीम की 9 आरज़ुएं जो बयान हुई हैं आखरत के मुताल्लिक, वो आपके सामने मैं पेश करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले सूरतुन नबा की आयत 40 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, या लैतनी कुंतु तुराबा, फरमाया है काश मैं मिट्टी होता। जरा इससे अंदाजा लगा लें आज हमारी खूबसूरती और आज की हमारी मुल्क की सोशल मीडिया पे देख लें, न जाने क्या क्या है। एक आम आदमी बेचारा वो सोशल मीडिया पर काम करने से बड़ा मुश्किल में पड़ जाता है। यकीनन थोड़ा सा प्रेस करें आगे वीडियो आ जाती है और न जाने क्या कुछ हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सोशल मीडिया पर तो ऐसा है कि बास हमारी बहनें ऐसी भी हैं जो सिर्फ रेटिंग के हवाले से और सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाती हैं कि हमारे जो है फॉलोअर्स अच्छे हो जाए, तो कोई फायदा नहीं भाई। ये जहान अल्लाह ने आरजी बनाया है और इस सब में हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, तो बेहतर है कि हम वो काम करें जो शरीयत के मुताबिक हो और कल अल्लाह के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। इसी तरीके से मजीद आगे बढ़े तो इसके बाद आयत नंबर 24 है सूरतुल फजर की, उसमें अल्लाह करीम फरमाते हैं, या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, फरमाया काश मैंने अपनी आखिरी जिंदगी के लिए कुछ किया होता। बड़ा अहम ये हिस्सा है कुरान करीम का, खासतौर पर सूरतुल फजर का। आज हम न जाने अपने बच्चों पर क्या खर्च करते हैं, अपने घर के लिए क्या कुछ खर्च नहीं करते, अपनी सारी सलाहियतें अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, यकीनन अच्छी बात है, लेकिन यह कि हदीस से मालूम भी होता है कि जो आखरत का जो जखीरा है उसमें से एक सदक़े का पहलू अपने अहलोयाल का ख्याल भी रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह कि हम आखरत के मुताल्लिक कुछ अल्लाह के लिए भी, गरीबों के लिए भी, फुकरा के लिए भी, मसाकीन के लिए भी निकाला करें, यह भी हमारा एक फर्ज बनता है। मजीद इससे आगे बढ़ें तो फरमाया, या लैतनी लम उत किताबिया, सूरतुल हाक़ा की आयत 25 है जिसमें अल्लाह करीम फरमाते हैं, ऐ काश मुझे मेरा नामा अमाल मेरे हाथ में न दिया जाता। तो ये अंदाजा लगा लें कि अगर हम अच्छे काम करते रहें अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से अल्लाह हमें कामयाब कर दे, और अगर हम खुदा न खास्ता अपने अमाल ऐसे हो जिसमें अल्लाह के नाराजगी करने का मामला हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी का इजहार होगा, तो बेहतर यह है कि अपने वक्त को और अपने कदमों को जो है सौंप सौंप के रखें, जहां हमें खुदा न खास्ता कोई तकलीफ का पहलू ना हो। फिर आगे बढ़े तो सूरतुल फरकान की आयत 28 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, या वई लता लई तनी लम अत्तखिद फुलालन खलीला,
या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फलान खलीला, ऐ काश मैं फलां को दोस्त ना बनाता। तो इससे यह अंदाजा होता है हमारा उठना बैठना, हमारे दोस्तों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हमारे दोस्त हैं, अच्छी गैदरिंग है। और अगर हम दावत के हवाले से ऐसे लोगों के साथ मुलाकात करते हैं तो हर्ज की बात नहीं है, लेकिन हमारा जो रूटीन का यानी जो हमारे मामूलात हैं, किन लोगों के साथ हमारी दिलचस्पियां वाबस्ता हैं, ये जरा मैं और आप हम अंदाजा लगा लें असल दिलचस्पी हमारी क्या है। मजीद आगे बढ़े तो पांचवां पॉइंट आपके सामने शेयर किया जा रहा है जो कि सूरतुल अहज़ाब की आयत 66 का हिस्सा है। फरमाया या लैतना अतअनल्लाह व अतअनर्रसूल, ऐ काश हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी की होती। आज अंदाजा लगा लें हम अपनी जिंदगी में हराम और हलाल की अगर तमीज करते हैं तो यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की तौफीक से है, और अगर ये नहीं करते तो यकीनन जो है हमें अपना तज़किया करना चाहिए, अपने आप को वक्त देना चाहिए, तन्हाई में बैठकर जरा हम सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद मजीद आगे बढ़ें तो अगला पहलू आता है जो कि अगला पॉइंट है, इत्तखतु मा रसूल सबीला, ऐ काश मैं रसूल का रास्ता अपना लेता। तो ये सूरतुल फरकान की आयत 27 है। फिर मजीद आगे बढ़ें, या लैतनी कुंतु माहुम फअफूज फौजन अज़ीमा, ऐ काश मैं भी उनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। यकीनन किन के साथ होता? अहले ईमान के साथ, मोमनों की जमात में होता जो वो हराम और हलाल में तमीज करते। यकीनन मुश्किल है, कम पर गुजारा करना जरा मुश्किल है, लेकिन ये कि इसका अजर भी है। अल्लाह क्या फरमाया, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, ऐ काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। तो हम अकीदे की भी बात कर लें, हमारे अकीदे के हैं, हमारा अल्लाह पर यकीन कितना है, हम अल्लाह पर यकीन कितना रखते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है, क्या हम दुनिया पर इतना दुनिया के लिए इतने परेशान हो जाते हैं, क्या आखिरत पर भी हमारा यकीन है कोई, तो जरा इस पर भी हमें तवज्जो करने की जरूरत है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 है, फरमाया या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिब बिआयाति रब्बिना वनकूना मिनल मुमिनीन, फरमाया ऐ काश, ये सूरतुल अनआम की आयत 27 है, फरमाया ऐ काश कोई सूरत अपनी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब के निशानियों को न झुटलाएं और अपना और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। ये सूरतुल अनआम की आयत 27 है। नाज़रीन सोचने की बात है कि आज हमारा जो रुख है वो किस तरफ है, दौलत की तरफ है। यकीनन रिज़्क़ हलाल इबादत है, लेकिन ये कि सारा कुछ दौलत को बना लेना, इसकी भी इस्लाम इजाजत नहीं देता। कुछ वक्त अल्लाह के लिए भी निकालना होता है, ये भी जो है जरूरी है। नमाज हम पढ़ते हैं, पांच वक्त की नमाज के अलावा भी कुछ वक्त हम निकालें, अपनी सलाहियतें कुरान करीम को सीखने और सिखाने में लगाएं। देखें कितनी मेहनत करते हैं लोग, मास्टर्स कर रहे होते हैं और बाज़ बच्चे जो है वो सीए कर रहे होते हैं, बाज़ जो है असातिज़ा किराम पीएचडी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे कर रहे होते हैं, और बास जो है वो बीबीए कर रहे होते हैं, एमबीए कर रहे होते हैं, जाने उनकी क्या क्या फीस होती है, आप सबके इल्म ही है, मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में हम फिर एनालिसिस करें कि हम दुनिया के लिए कितना खर्च कर रहे हैं और आखिरत के लिए कितना जखीरा कर रहे हैं, और जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं जरा अंदाजा लगाएं उसमें हम कितना डेली का देते हैं, जरा इस पर भी हम अंदाजा लगाएं। तो ये वो सारे पहलू हैं जिसे हम अपनी लाइफ को एनालिसिस करें, अपनी लाइफ को एनालिसिस करें कि हमारा कितना जो पहलू है वो दुनिया की तरफ है और कितना हिस्सा है जो आखरत की तरफ है। अल्लाह सुबहानहू व तआला हम सबको दुनिया और आखरत की खैर और बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह सुबहानहू व तआला हमारी दुनिया भी खूबसूरत बनाए और आखरत में भी जहन्नम की आग से हिफाजत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और हमारे वो मुसलमान भाई जो नाज़रीन देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, अल्लाह सुबहानहू व तआला उनको भी जिनको जो परेशानियां हैं अल्लाह सुबहानहू व तआला उनके साथ खैर और हिफाजत का मामला फरमाए। खासतौर पर वो मेरी बहनें जो नेक साले रिश्तों के हवाले से बैठी हैं, अल्लाह ताला उनको नेक साले रिश्ते नसीब फरमाए। और यकीनन वो भाई जो रिस्क की तंगी का और शिकार हैं, अल्लाह करीम उनको रिस्क में फराखी और वसत नसीब फरमाए। आखिर में गुजारिश रहती है कि भाई बहुत सारे लोग जो है बेहूदा फजूल चीज़ें भी शेयर कर रहे होते हैं, अगर अल्लाह उसके रसूल की बात की जाए तो उस वीडियो को भी शेयर करना चाहिए, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है, ताकि एक मुस्तनद बात जो की जा रही है, सही बात की जा रही है,
एक आदमी जो अल्लाह उसके रसूल के लिए दर्द दिल शेयर करता है, तो आपका भी फर्ज बढ़ता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पार्ट को, उस हिस्से को दूसरों के सामने पेश किया जाए ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।